बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद अभी चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है या इसका गठन क्यों किया गया है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था उसको हम देखते चलते हैं। क्वेश्चन है कि सिन्यू मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और जापान। चलिए हम अपने टॉपिक चलते हैं। बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद का अभी हाल ही में गठन किया गया। क्यों गठन किया गया, क्योंकि सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक व्यापक एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन योजना तैयार की गई है। तो बृहत्तर पन्ना भूदृश्य प्रबंधन योजना के व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के सदस्यों के साथ बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किया गया है। बृहत्तर पन्ना भूदृश्य यानी कि GPL केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पर्यावरण प्रबंधन योजना और एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यह मॉडल विकास भी पर्यावरण भी के मोटो के साथ भविष्य के विकास के लिए खाका होगा। GPL यानी कि बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद और परिषद का लक्ष्य एक संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर विकास प्रक्रिया के साथ एकीकरण के माध्यम से संरक्षण के लिए लाभकारी स्थिति सुनिश्चित करना है और विविध हिस्सेदारी पर विचार करना है। इसका व्यापक उद्देश्य प्रमुख प्रजातियों जैसे बाघ, गिद्ध, घड़ियाल के लिए आवास संरक्षण और प्रबंधन की बेहतरी को सक्षम करना है। स्थानिक प्राथमिकता और वन पर निर्भर समुदायों की भलाई के माध्यम से समग्र जैव विविधता संरक्षण के लिए परिदृश्य को मजबूत करना और फीडबैक लूप और अनुकूली प्रबंधन विकल्पों के संदर्भ में एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन के तहत प्रजाति विशिष्ट और स्थल विशिष्ट निगरानी रणनीतियाँ प्रदान करना है। केन बेतवा लिंक परियोजना कार्यान्वयन के लिए ली गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना है जो बार बार सूखे की स्थिति का सामना करने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगी। परियोजना का उद्देश्य न केवल बुंदेलखंड में जल सुरक्षा प्रदान करना बल्कि क्षेत्र के समग्र संरक्षण और विशेष रूप से बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसे परिदृश्य पर निर्भर प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार उपाय करने के अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान ने न केवल पन्ना टाइगर रिजर्व में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक व्यापक एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन योजना तैयार की है। आइए हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किस राज्य सरकार के सचिव की अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 4, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।